दोस्तों, पैसों से शिक्षा आ सकती है लेकिन दिमाग नहीं आ सकता। दिमाग, वही दिमाग जो ईश्वर ने सबको एक जैसा दिया है, सबको एक जैसा दिया है। आप किसी का भी MRI देख लीजिए, आप CT स्कैन देख लीजिए, सबका दिमाग आपको एक जैसा मिलेगा, सबके वही एक्सरेज होंगे। लेकिन कोई उस दिमाग को 10% यूज़ कर रहा है, कोई 50% यूज़ कर रहा है, कोई 90% यूज़ कर रहा है, कोई 25% यूज़ कर रहा है। ऐसे ही दो इंसान थे, इनफैक्ट हैं, एक तो है अपने था, उसमें एक बहुत ही गरीब परिवार से एक इंसान थे जो कि बहुत ही परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने, उनके पास एक नाव थी, उन्होंने उस नाव को किराए पर देकर कुछ पैसे मिल जाते थे मछुआरों से, उससे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे किसी तरीके से। लेकिन वो ये चाहते थे कि उनका बच्चा, उनका एक जो थोड़ा सा पढ़ लिख ले। कहते हैं ना कि बच्चों पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। अगर आपका बच्चा लायक है तो आप कुछ भी मत दो ना, तो भी वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। और अगर आपका बच्चा नालायक है तो आप चाहे जितना मर्जी छोड़ दो, जितना मर्जी, आपको शून्य बना देगा। तो वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए हमेशा शिक्षित करते रहते थे, शिक्षा देते रहते थे कि भाई बेटा पढ़। कैसे भी करके वो बच्चा पढ़ता था अपना। ये उस समय की बात है जब बिजली नहीं हुआ करती थी, पानी की दिक्कत हुआ करती थी, स्कूल 20-30 किलोमीटर दूर हुआ करते थे। लेकिन वही है ना, जो ठान ले वो कुछ कर देता है, वही वाली बात है। उस बच्चे ने पढ़ाई की सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से। उसने देखा कि मेरा परिवार कितनी मेहनत करके, कितनी मुश्किल से, कितनी गरीबी में मुझे पढ़ा रहा है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को अच्छे से करूं। धीरे धीरे बड़ा होता रहा, पढ़ता रहा। इतना बड़ा हो गया कि उसने सोचा कि मैं अपने पिताजी का कुछ भार कम कर दूं। तो उसने घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटने शुरू कर दिए। सुबह 5 बजे उठ के न्यूज़पेपर बांटने लगा। बहुत, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है कल वो क्या करेगा। उसने खुद नहीं सोचा था। समय बीतता गया, कॉलेज से ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन किसी तरीके से ग्रेजुएशन करी उसने अपनी। उसके बाद वो एक, आप भी जानते हो, उनका वैज्ञानिकों में बहुत अच्छा नाम है, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट उनको कई सारे पुरस्कार भी मिले और वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। जी हाँ, मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बुद्धि है वो अलग ही है। उसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं कि आपका पालन पोषण कैसा हुआ हो, आप मखमल के गद्दे पे सोए हो या ज़मीन पे सोए हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। कभी डॉक्टर साहब ने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ ऐसा कर जाऊँगा। उनको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। गिरे उठे फिर चलने लगे, फिर गिरे उठे फिर चलने लगे, वो ये करते रहे। और उन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया जो कि आपको पता ही है, पूरे विश्व में नाम है उनका। और दूसरी तरफ हमारे, जिन्होंने पैसे की कोई कमी नहीं, खूब पैसा, गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW, बल्कि मैं कहूँ तो विदेश में पढ़ाई, एरोप्लेन में घूमना, सब कुछ था, बहुत अच्छा खाना, सब कुछ था उनके पास, अच्छी शिक्षा, सब कुछ।
उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन लेकिन दिमाग कहाँ से लाएं? हर पढ़ने वाला कामयाब होगा ये ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, हर पढ़ने वाला कामयाब होगा ये ज़रूरी नहीं। देखिए बहुमत से ना, बहुमत से आप किसी भी चीज़ पे कब्ज़ा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको चलाना नहीं आता तो आप सब खराब कर देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही वाले हालत है कांग्रेस पार्टी की, नैया डुबो दी राहुल गांधी जी ने। खैर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सब इंसान तरक्की कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती किसी से भी।